हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जाना था। आज सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला कि सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि जब किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दिया गया हो तो उसके बीच में एक पॉइंट, एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो कि उस लाइन को दो भागों में बांटता है। और वो फार्मूला है क्या, अगर फाइंड करना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एम वन एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, और अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एम एम इन टू वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। यानी इन दो फॉर्मूले से हम किसी भी, अगर कोई भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को, तो हम निकाल सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट पे डिवाइड करेगा ये। आगे इस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करना है ये आज मैं बताऊंगी। सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में दो एक्सेस दिया हुआ है, एक वाई एक्स एक्सेस एक्स ओ और एक्स एक्स डैश ओ और एक्स, और एक वाई ओ और वाई डैश जो कि वाई एक्सिस है। अब इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन है, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू है। इसके बीच में एक और पॉइंट है पी, जिसका की कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। अब पी की कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो जो दिया गया है और जो जो इस फिगर में है वो लिख लेते हैं। क्या है तो देखते हैं, x डैश ओ एक्स एक्स एक्सिस, अभी जस्ट मैंने बताया कि x डैश ओ और x, यानी ये वाला जो रे है, ये वाला जो लाइन है, ये हमारा क्या होगा x एक्सिस होगा। फिर y ओ और y डैश, ये हमारा क्या होगा y एक्सिस। फिर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ओ ओरिजिन होगा। उसके बाद दो पॉइंट लिया गया है, एक ए है एक बी है। ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी का एक्स टू वाई टू, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब दिया गया है कि लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो एम एन। मान लेते हैं कि पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन में, यानी एम रेशियो एन में। तो जब डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, ए बी बाई पी बी एम बाई एन के इक्वल होगा। अब कंस्ट्रक्शन किया जाता है। क्या कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहला ए ए एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, यानी ए एल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओ एक्स पर होगा। फिर दूसरा एम बी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, यानी बी एम ये वाला लाइन जो कि फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओ एक्स पर। फिर पी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, पी एन ओ एक्स पर परपेंडिकुलर, यानी कि पी ओ एक्स पर तीन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि है हमारा कौन कौन, पहला एक ए एल है, दूसरा फिर पी एन है और तीसरा बी एम है। उसके बाद फिर लिखा गया है ए आर परपेंडिकुलर टू पी एन, यानी ए आर एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन जो कि पी एन पर है। फिर लास्ट है पी एस परपेंडिकुलर टू बी एन, यानी पी एस एक और लाइन ड्रॉ किया गया जो कि बी एम के परपेंडिकुलर है, यानी कि जितना कंस्ट्रक्शन था वो यहां पे लिखा गया है। उसके बाद फिर है कि कल भी मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को लिख लेते हैं। सबसे पहला है क्या कि ए आर, ए आर देख लेते हैं, यहाँ है ए आर, ए आर इक्वल्स टू एल एन। अगर यहां से यहाँ ए आर है तो जस्ट यही दूरी नीचे दिया गया है जो कि एल एन है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर एल एन निकालना हो तो इस पूरे, यानी यहां से यहां ओ एन में से अगर ओ एल माइनस कर लेते हैं तो क्या निकलेगा, एल एन या ए आर, तो वही लिखा गया यहाँ पे ओ एन माइनस ओ एल। फिर ओ एन हमारा क्या है, यहां से यहां, यानी वाई एक्सिस से इस पी में जो एक्स का कोऑर्डिनेट है यानी एक्स, वो हमारा यहां से यहां एक्स है, तो एक्स लिखा गया।
फिर OL, OL है हमारा X1, तो -X1। उसके बाद फिर दूसरा लिया गया है PS, PS यहाँ पर है PS, PS निकालने के लिए फिर से उसी तरीके से PS यहाँ यहाँ तक की दूरी, तो OM अगर इस पूरे OM में ON माइनस कर लिया जाए तो PS और MN यानी दोनों सेम है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि OM माइनस ON और OM जो है हमारा यानी यहां से यहां तक की दूरी जो है वो X2 है। फिर आगे है क्या कि OL, OL हमारा अभी जस्ट देखे थे क्या कि ON हमारा X है तो माइनस X हो गया। उसके बाद फिर PR निकालना है। PR देखा जाए तो यहां से यहां यानी ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक PR क्या हो जाएगा इस होल टोटल में यहां से PN में से अगर RN या AL दोनों से कोई भी माइनस कर सकते हैं दोनों सेम है, तो PN में से RN माइनस किया गया या PN में से AL माइनस किया गया तो निकल गया PN। आखिर है क्या यहां से यहां पूरा, तो यहां से यहां तक में y का कोऑर्डिनेट क्या है y है, फिर यहां से यानी कि AR में y का कोऑर्डिनेट y1 है माइनस y1 हो गया। फिर BS, BS हमारा क्या होगा BS यहां से यहां यानी ये छोटा डिस्टेंस यहां से यहां BS है। अब BS निकालने के लिए फिर से वैसे ही करेंगे कि होल टोटल यहां से BN में से MS या ये वाला PN माइनस करेंगे तो BS निकलेगा वही किए है। अब यहां से यहां तक में यानी कल भी मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो वो y कोऑर्डिनेट का होगा, अगर y एक्सिस से निकालना हो तो वो x कोऑर्डिनेट का होगा। तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या होगा y का कोऑर्डिनेट यानी y2 लिखा गया है। फिर यहां से यहां तक यानी कि PN यहां से यहां क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y, टोटल जितना मेजरमेंट था वो यहां लिखा गया है। अब देखते हैं कि दो ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल यहां पर है APR और दूसरा है PBS, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है और जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपस में दोनों सिमिलर होगा। आगे देखते हैं क्या करते हैं। सिमिलर है कौन कौन सा ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल PBS आर सिमिलर। जब दोनों सिमिलर होगा तो क्या होगा, तो उन तीनों का रेशियो यानी साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम तीनों का रेशियो निकालते हैं साइड का तो वो तीनों क्या होगा इक्वल होगा। यानी कि अगर हम लिखते हैं कि AB AP यानी फर्स्ट एंगल का हाइपोटेनस लिए तो दूसरे वाले का भी हाइपोटेनस AP बाय PB इक्वल्स टू, अब अगर इसका बेस लेते हैं AR तो AR और इसका बेस क्या हो जाएगा PS, ये आपस में इक्वल। फिर अगर इसका परपेंडिकुलर लेते हैं तो होगा क्या PR और इस वाले का लेते हैं तो BS, ये तीनों आपस में क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। आगे क्या करते हैं कि सारे का रेशियो लिख लेते हैं AP बाय PB, अभी मैंने बताया था कि M बाय N रेशियो में है। AR है हमारा क्या यहाँ पे X माइनस X1, फिर PS है, PS क्या है X2 माइनस X, फिर PR हमारा क्या है Y माइनस Y1, BS हमारा क्या है BS Y2 माइनस Y,
जितना यहाँ पे जितने साइड दिए हुए थे सारे की जो वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी गई है। अब क्या करते हैं mn, mn जो होगा ये इससे भी इक्वल है और साथ साथ इससे भी इक्वल है। आगे सॉल्व करते हैं, mn इक्वल्स टू एक बार लेते हैं x माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स, और एक बार mn को इक्वल करते हैं y वाले से, mn इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y इस वाले से। पहले इधर का सॉल्यूशन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m से x2 माइनस x ये मल्टीप्लाई होगा, n से x माइनस x1 मल्टीप्लाई होगा, m से x2 मल्टीप्लाई करेंगे mx2, फिर m को x से करेंगे तो माइनस एम एक्स, इधर किया जाए तो n इंटू एक्स एन एक्स, फिर n इंटू माइनस एक्स वन माइनस एन एक्स वन। अब x वाला यहाँ दो टर्म आया है, एक इधर भी एक इधर वाला, और ये दोनों टर्म को एक साइड कर लेते हैं, बाकी जो अदर टर्म है उसको एक साइड, तो कर लेते हैं एम एक्स टू ये जो इधर है माइनस एन एक्स वन, इसको इधर लेते आते हैं माइनस एक्स वन इक्वल्स टू, इधर हमारा एन एक्स पहले से है ये माइनस में उधर जाके प्लस में एम एक्स, इससे कॉमन एम एक्स टू, सॉरी ये एक्स वन वाला प्लस में था माइनस में था इधर आके प्लस होता, इन दोनों से एक्स कॉमन ले सकते हैं तो एन प्लस एम यानी इस तरीके से होगा। आगे ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन इस तरीके से आएगा। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से x कोऑर्डिनेट निकाला गया है। सबसे पहला जो रेशियो था एम एन, इसको हम x वाले के साथ इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया, यानी कि इसे इससे मल्टीप्लाई किया गया और इससे किया गया है, m x2 माइनस x मल्टीप्लाई किया गया और n को x माइनस x1 से, m into x2 mx2 माइनस m into x mx, फिर n से किए तो n into x nx माइनस nx1। उसके बाद क्या किए कि इधर भी x वाला एक टर्म था, इधर भी x वाला एक टर्म था, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसे एक तरफ कर लेते हैं, तो ये जो x वाला था यहाँ माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, यहाँ पे एक माइनस एन एक्स वन था जो कि इधर आकर प्लस हो गया, इस वाले में से x कॉमन निकल सकता था इसीलिए x निकाल लिए तो बचा n प्लस m, बाकी ये वाला n प्लस n वाला जो टर्म है यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, यानी कि पहला जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे दिया गया है m x2 plus n x1 by m plus m1, ये यहाँ पर x वाला निकल गया है। अब y वाला करते हैं सेम टू सेम वैसा ही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m से करते हैं y2 minus y को और n से करते हैं y minus y1 को, मल्टीप्लाई करते हैं m into y2 my2 minus m into y my equals to n into y ny minus n into y1 ny1। फिर से सेम केस आया है यहाँ पे, एक माइनस एक y वाला टर्म यहाँ है एक यहाँ है, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, पहले लिखते हैं my2 ये वाला जो y1 है इधर आके प्लस में हो जाएगा ny1, फिर ny पहले से है ये माइनस में था उधर जाके प्लस, इन दोनों से y कॉमन निकल सकता है y निकाल लेते हैं कॉमन तो m प्लस n बचेगा, इधर जो था वैसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का टर्म है m प्लस n का, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा y इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस वन, यानी कि y का फॉर्मूला भी निकल गया है। इस तरीके से देखा गया क्या कि इस फिगर में दो ट्रायंगल थे, दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो सारे साइड का रेशियो क्या होगा, सारे साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, इक्वल यहां किया गया
पहले m by n को x के साथ किया गया, फिर m by n को y के साथ किया गया। दोनों को आगे सॉल्व करने के बाद जो y का टर्म है, यानी y और x का टर्म, यहाँ y का टर्म निकला है और यहाँ पर x का टर्म निकला है, दोनों टर्म आपस में निकल गए हैं। इसके बाद एक दो सम कर लेते हैं पहले। Coordinate of the point which divides the line segment. Find the coordinate of point which divides line segment. Joining the point A जिसका की कोऑर्डिनेट है 4, -3 एंड B 9, 7 इन द रेशियो 3:2 इन द रेशियो 3:2 यानी कि एक क्वेश्चन लिया गया है जिस क्वेश्चन में है क्या तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यानी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें क्या होगा विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स यानी कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है ए और बी इसे डिवाइड किया जा रहा है एक पॉइंट के द्वारा वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3:2 में अब फाइंड करना है कि वो कोऑर्डिनेट होगा क्या सबसे पहला जो जो है मेरे पास वो लिख लेते हैं ए ए है हमारा 4, -3 बी हमारा है 9, 7 फिर m in m is to n यानी कि रेशियो 3:2 है फर्स्ट वाला ये जो है x1 और ये y1 इधर ये है x2 और ये y2 x का कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां से फॉर्मूला देख लेते हैं mx2 plus nx1 by m plus n m m क्या है हमारा 3 है x2 x2 9 है प्लस n n है हमारा 2 x1 है 4 बाय m प्लस n है रेशियो क्या है हमारा 3 और 2 यानी 3:5 हो जाएगा 9 3 27 4 2 8 5 7 यानी x का कोऑर्डिनेट आता है 7 फिर y निकालते हैं m y2 plus n y1 by m plus n m हमारा है 3 y2 हमारा 7 है plus n हमारा है 2 यहां पे फिर y1 है -3 by m plus n यानी 3:5 7 3 21 -3 2 6 by 5 माइनस करने के बाद आएगा हमारा 15 by 5 इक्वल्स टू 3 यानी कि x का कोऑर्डिनेट आया क्या 7 और y का 3 ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं आऊंगी आज के लिए इतना ही